अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां विश्व वृद्ध जन दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश के साथ साथ रीवा में भी शतायु मतदाताओं का सम्मान किया गया। कलेक्ट्रेट एनआईसी केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शतायु मतदाताओं को शुभकामनाएं दी। राजन ने कहा कि मतदान प्रत्येक मतदाता का अधिकार होने के साथ साथ जिम्मेदारी भी है। हमारे 57 मतदाताओं ने सभी निर्वाचनों में मतदान करके लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में सराहनीय योगदान दिया है। वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करते हुए निर्वाचन आयोग स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पूरे प्रदेश में लगभग 1,100 पुरुष तथा 3,027 महिला मतदाता हैं। वृद्ध जन दिवस पर इनको सम्मानित करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बुजुर्ग मतदाता युवा मतदाताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने 457 मतदाताओं को शॉल, श्रीफल, पुष्पहार एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। कलेक्टर ने 27 मतदाताओं रामकली देवी 105 वर्ष, दुआ सियाबाई 102 वर्ष, जैतून खान 104 वर्ष तथा रामबती 104 वर्ष को सम्मानित किया। इस अवसर पर रामबती ने कहा कि जब से चुनाव शुरू हुआ तब से हम मतदान कर रहे हैं। अधिक उम्र होने के बाद भी अभी भी वोट डालने अवश्य जाते हैं। शतायु मतदाता जैतून खान ने वरिष्ठ मतदाताओं को सम्मानित करने के लिए निर्वाचन आयोग तथा जिला प्रशासन के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि हमारे बुजुर्ग परिवार और समाज के मार्गदर्शक हैं। उनका अनुभव नई पीढ़ी के लिए अनमोल वरदान है। शतायु मतदाताओं ने नियमित रूप से मतदान करके लोकतंत्र को सुदृढ़ किया। आप सबकी जागरूकता तथा मतदान के लिए प्रतिबद्धता नई पीढ़ी के लिए उदाहरण है। लोकतंत्र को स्थापित करने और मजबूत करने में आप सबका योगदान सराहनीय है। कलेक्टर ने सभी मतदाताओं को दीर्घ जीवन और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी बुजुर्ग को यदि कोई परेशानी होती है तो वो हमें बताएं, उसका निदान अवश्य होगा। कलेक्टर ने सभी मतदाताओं से अपनी आधार संख्या को इपिक से संबद्ध करने की अपील की। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर सलेन सिंह, तहसीलदार आरपी त्रिपाठी, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला तथा शतायु मतदाताओं के परिजन उपस्थित रहे।